ये हमारे घर से बगल वाला मंदिर है, सामने भी मतलब मंदिर। और रात का मौसम है कुछ ऐसा, धूप लगी है बढ़िया वाली, बादल थोड़े बहुत। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह के बज रहे 11:30। मैं जस्ट अभी अभी उठा क्योंकि आज संडे है, बढ़िया आराम से सोए रहा और लेट उठ गया। फिलहाल तो अभी करते हैं नाश्ता। तो गाइस, मैंने तो नाश्ता कर लिया है और अभी कर दिया दीदी नाश्ता। क्या? और फिलहाल तो पापा अभी उठा रहे हैं बिस्तर। पापा दूध कितने बजे लेने गए? दूध 7 बजे गया यार देने। मतलब पापा जल्दी उठ गए थे, मैं लेट उठा था, अभी पापा चले गए थे आज। और आज मैं दूध लेने इसलिए नहीं जा पाया क्योंकि मैं लेट उठा था और मेरे उठने तक पापा ला गए थे दूध, और बढ़िया हो गया मतलब क्योंकि मैं लेट उठा और पापा चले गए, सही हो गया था मतलब। और अभी मैंने जाना है एटीएम, एटीएम में थोड़ा काम है, मम्मी भेज रही है एटीएम, कुछ मतलब पैसे निकाल लेंगे। तो भाई, इससे पिछले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि हम पिथौरागढ़ थे और पिथौरागढ़ में हमने भाई की कोरोना रिपोर्ट निकालने गए थे, तो वहाँ तो बंद था इसलिए, और कोरोना रिपोर्ट इसलिए निकाली थी क्योंकि भाई का आर्मी टेस्ट था वहाँ, क्योंकि कोरोना रिपोर्ट मांगते हैं 72 घंटे की, और वो टेस्ट हो चुका है कैंसिल। वहाँ पूरा हो गया था हमारा पोपट और सीधा वहाँ गए थे घर। अब पता नहीं कब है, टाइम है अभी बहुत। तो गाइस, अभी मैंने जाना था एटीएम, तो चलते हैं एटीएम अभी। बोला मम्मी एटीएम दे दे मुझे, चल रहा हूँ मैं। चलिए जल्दी आना, इधर उधर मत घूमना, ठीक है? ओके चलता हूँ। तो फाइनली गाइस, घर से तो मैं निकल चुका हूँ, अभी पहुँचा हूँ थोड़ा थोड़ा ही अभी। तो गाइस, मैं अभी एटीएम से तो आ गया हूँ, एटीएम बंद था और अंकल ने खुलवा दिया था, मतलब सही हो गया। आज संडे सब बंद था मार्केट। मम्मी का दिया अभी चावल साफ, पापा बैठे ऐसे, बहुत ही गर्मी हो रही है मतलब। खाने में क्या बन रहा है आज? दाल चावल। पापा कौन सी पकौड़ी बनेगी अभी? मूंग दाल की और दूसरी मुंबई दादर वाली कुछ खाता अभी। कच्ची कैरी। कच्ची कैरी की क्या पकौड़ी बनेगी? तो जो पकौड़ी पापा बनाने वाले थे, और अभी दाल तो मम्मी और दीदी बना रहे हैं, अभी प्याज की पकौड़ी बननी है। और अभी पकौड़ी हो रही है तैयार, दीदी बना रही है पकौड़ी और मम्मी तल रही है। तो गाइस, अभी बहुत ही गर्मी हो रही है, अभी थोड़ा नहा लेते हैं फिर उसके बाद खाना खाते हैं बढ़िया। तो गाइस, अभी मैंने नहा लिया है और बढ़िया आप खाना खाते हैं, मतलब नहाने के बाद तो खाना खाने में कुछ अलग ही मजा आता है मतलब। तो अब खाते हैं खाना, अभी पापा और भाई खाते हैं खाना और मैं भी खाता हूँ खाना। तो गाइस, अभी 3 के बज चुके, 5:15 और अभी मैंने जाना है वॉलीबॉल खेलने, फिलहाल तो चलते हैं वॉलीबॉल खेलने। सो गाइस, अभी शाम के बज चुके हैं 7:45 और जस्ट अभी हम खेल के आए थे भाई और मैं, हम तो मतलब चले गए थे 5:30 बजे गए वॉलीबॉल खेलने, उसके बाद वॉलीबॉल खेला। आज संडे का मैं आ रनिंग किया, संडे को मतलब पूरा रेस्ट लेते हैं। तो गाइस, अभी अभी लाइट गई थी, मतलब 1 घंटे बाद अभी लाइट आई है और अभी हम बैठे अच्छे से, मतलब बैठे बढ़िया, अभी लाइट आ गई है और चिंटू भी बैठा है ऐसे। ये देखिए चिंटू, ये भाग रहा है चिंटू, चार्जर है 61 और भाई अभी बैठा है पढ़ाई कर रहा है। और अभी मम्मी बना रही है खाना, मम्मी खाना बन गया क्या? बन रहा है, भूख लग गई थी तो अभी तो पूछ रहा था। हाँ जी, तो इसके अंदर बनना है मम्मी, कैसे अंदर? अंदर चना आलू, चना आलू बन रहा है। चिंटू बड़े मजे से बैठा है मम्मी के साथ, वैसे बैठे रहता है मतलब ही। और पापा भी इधर सोए हैं, पापा देख रहे हैं सुपर डांसर, मजे तो इसके हो रहे हैं ये चिंटू के। और पापा के साथ सो गया चिंटू, तो अभी खाना तो आ गया, अब खाना खाते हैं और खाने में है दिखाते हैं। और आज के खाने में चने और आलू की सब्जी, रोटी, दाल और मम्मी ने बेसन का बनाया है पराठे टाइप का। तो अब खाते हैं खाना।
तो वैसे भी खाना तो हो चुका है। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और गाइस ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी की नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। तो अभी तो लाइट गई है और चिंटू और भाई और पप्पा बाहर खड़े हैं, मैं भी बाहर खड़ा हूँ। चिंटू में आज है समझ ली।